और कॉफी हाउस की आदत पड़ गई थी जाने की, कैसा लग गया था वहाँ मुलाकात हुई डॉक्टर सरवर साहब से, हाजमी साहब से और आज मौजूद है हमारे जैन अजीज साहब, अजहर साहब, ऐसा नसीम साहब और डी एस एफ के दूसरे लोग और डॉक्टर हमदानी साहब, वहाँ गपशप रही उनके ख्याल से आगे ही हुए और फिर ये हुआ कि डी एस एफ में शामिल हुआ मैं इसका कि उस प्रोसेशन में भी मैं था कि जिसमें लाठी चार्ज हुआ, बाद में गोलियाँ चली, मैंने गुरमाने साहब की कार भी जलते हुए देखी। डी एस एफ का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मैं कहूँगा उस ज़माने का, आज जब मैं पलट के देखता हूँ तो वो उस ज़माने में जो रजत पसंद तहरीकें थी वो चल रही थी, खासतौर से मजहबी तहरीक, और वो पाकिस्तान को जज्बात बनाने की फिक्र भी थी, आज भी बहुत ज़्यादा हो गई ऐसी मजहबी तहरीकें जो पाकिस्तान को ले जाने किस ऐप में ले जाना चाहती है, तो जैसे अपने उनको होगा ये बहुत बड़ा कारनामा है। इसके अलावा जो तलबा की तंजीमें थी उनको उन्होंने ऑर्गेनाइज किया, तलबा को ऑर्गेनाइज किया, तलबा को जबान दी, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी तो खास है कि मिर्जा काजिम साहब अगर यहाँ हैं सबसे पहले मैं खुद मैं गुरबत का वो था, मैं ट्यूशन पढ़ कर पढ़ता था और मुझे लगा है कि मेरा फर्ज अपना तजुर्बा और एहसास था मेरे गरीबों के हालत को सुधारने का बहुत कुछ मेरा ख्याल था कि मैं कुछ कर सकूँ और ऐसा ही हुआ। जब मैं कॉलेज में गए मैं गया तो मेरे वो तजुर्बा काम आया, मैंने स्टूडेंट्स के लिए मैट्रिक की जदोजहद की थी कि उनको इजाज़त दिलवाई थी मैट्रिक में काम लेने की, उनमें से काफ़ी बच्चे जो थे हमारे पास डी जी कॉलेज में, तो मैं बैंक जैसे भी पहुँचा तो फर्स्ट में आया। इस तरीके से मुझे ये मौका मिला कि मैं वह शरीक हूँ किसी इसका लेख में, और फिर हमारे डॉक्टर सरवर साहब की और मेडिकल के स्टूडेंट्स थे वहाँ पर जिन्होंने कि डी एस एफ पहले कायम की जैसा आपने अभी देखा, फिर उनके साथ मिलकर मैं डी एस एफ में शामिल हुआ और वहाँ पर मैं उनका प्रेसिडेंट बनाया गया और मैं जो है इस बात की तैयारी की। सबसे बात बड़ी बात ये थी कि उस वक्त भी हम ये देख रहे थे कि जो है कमर्शियल एजुकेशन और किस तरह रुझान है कि उसको हायर मेट्रिक उसमें एजुकेशन में सिर्फ मेरिट के बेसिस पे जाएंगे, ये जो है वहाँ पर फीसों का ज़्यादा होना और जो है वहाँ पर लाइब्रेरी लैब को पार्टनर में होना, तो एक शब्द कहना चाहिए क्वालिफाइड टीचर्स और तजुर्बेकार टीचर्स का होना होना, ये सारी बातें थी जिनसे एजुकेट कर रही थी स्कूल्स को और उस लिहाज से हमने जो है इसको आगे बढ़ाया। और जब देख रहे हैं हम कि जो है किसी भी तरह ये देखना चाहिए कि हम जो है क्लासलेस एजुकेशन, हमें यहाँ एजुकेशन जो है वो क्लास बेसिस पर एजुकेशन होनी है, ये बहुत ही गलत बात है और हमें पॉवर्टी अगर दूर करना है तो इसमें हमें कुछ करना होगा। साहबों के आश किया जाए कि आपने जो तकलीफ की है कि आपने मुझे इन्हीं पर इतार हाजिरी ऑस्ट्रेलिया में हम उजला कर दिया है। 50 साल उधर की बात गोया विश्व सदी का किस्सा है, 2-4 वर्ष की बात मुझे सिर्फ ये याद आता है कि हम मैं ये नहीं बता सकता कि हम क्यों इस पूरे सिलसिले में शामिल हुए, अब जब तक गौर करता हूँ तब लगता है कि बाद में कुछ मैन्युफैक्चरिंग इफेक्ट होगा क्योंकि हमने उस जमाने में किसी तरह की चीज़ें पसंद की, इसी तरह की तहरीकों में दिलचस्पी लेती थी और कोई सबक नज़र नहीं आता,
अच्छा, 7 और 8 की जो वाक़ा हुआ है, इसकी कराची तक बहुत बड़ा शहर है, यहाँ जो लोग रहते थे वो जिस शोर के मुकाम पर फायर थे हम लोग सिंध में, इनके रहने वालों को वो सारी चीज़ें दस्तियाब नहीं था, लेकिन सिंध भी सांस लेता था, ऐसा नहीं था कि सिंध सांस नहीं लेता था, सिंह चौका और वहाँ भी भारी मूवमेंट थी, मजदूरों की मूवमेंट थी, कुछ ना कुछ होता रहता था, यौम में जुलूस निकालता था, उसमें भी हम शरीक होते थे। तो एक एक सूरत हाल तो ये थी कि भाई पूरा जो हो रहा है जहाँ कहीं भी हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठनी चाहिए, लिहाजा रात और रात की तय पर 8 को हमें 7 को जो कुछ वाक़ा हुआ, 6 जो वाक़ा हुआ, तो छोटे छोटे अखबारा वो जरा वो टी वी और मीडिया वगैरह सुनते आती थी, कई फोन की वो सुनकर कोई कंटेक्ट नहीं था कुछ नहीं, लेकिन बस ये हुआ कि रात में कुछ लोग जमा हुए, तय हुआ कि भाई कल स्कूल बंद करवाने हैं, पहले सबसे पहले गवर्नमेंट स्कूल बंद होना चाहिए, गवर्नमेंट स्कूल कैसे बंद हो, खैर तय हुआ कि 2-4 लोग वहाँ जाएँ, 2-4 लोग वहाँ जाएँ, इस तरह से हुआ और वो एक जुलूस वहाँ निकला और जुलूस निकलते निकलते बाजार में बंद होना शुरू हुआ, उसमें हम तो 2-4 ही आ गए थे, बाद में पूरा काफिला उसमें साथ में होते और ये आज आपने जो मस्जिदियाँ दिया तो उसको तो उसकी तो कितनी तारीफ की जाए, ये आपने एक तरह से रिवाइव किया है लोगों को आज के इस तरह। मिर्ज़ा काज़िम साहब हो गए, हो गया गाजी सलाहुद्दीन साहब, बिल्कुल राहत काज़िमी साहब का ये एतराज या तबसरा बिल्कुल बजा है कि मैं कैसे इस फहरिस्त में शामिल हो गया। तो आपने देखा हो कि जो फहरिस्त उन्होंने पहले अपने खुलासे में बयान की थी उसमें भी मैं सबसे आखिर हूँ और यहाँ भी मैं किनारे पे हूँ। मेरे होने का अगर कोई जवाब है तो वो महज ये है कि वो तहरीक तो कॉलेज के स्टूडेंट्स की थी लेकिन उसमें हाई स्कूल के तलबा भी शामिल थे और मैं किसी न किसी तरह उस हाई स्कूल स्टूडेंट फेडरेशन में था, उसके जो रहनुमा थे वो अब हयात नहीं हैं तो मैं एक तरह से उनकी नुमाइंदगी कर रहा हूँ। मैं उन दिनों स्कूल में पढ़ता था और जैसा कि सलीम आज़मी ने कहा कि जो रिश्ता हुआ और जो जो एक तरह की इन्वॉल्वमेंट हुई इस सियासत से उस तहरीक से, उसका रास्ता वही था कि उन दिनों नया नया अफसाने पढ़ना शुरू किया था, तरक्की पसंद मुसनफ़ीन की कुछ महफिलें होती थी उनमें जाना शुरू किया था और जैसा कि सबतुल्ला कादरी ने कहा कि मोहम्मद शफ़ी ने इनसे कहा कि वो शामिल हों तो मोहम्मद शफ़ी से मेरी दोस्ती हुई, वो हाई स्कूल स्टूडेंट फेडरेशन के सरबराह थे, गुरु रवा थे, तो उन्होंने कहा तुम भी आ जाओ और मुझे ऑफिस सेक्रेटरी बना दिया, मुझे पता नहीं था कि ऑफिस सेक्रेटरी क्या चीज़ होती, तो मैं बिल्कुल पीछे था लेकिन वो एक बहुत ही एक मैंने जो एक छोटा सा मजमून लिखा है इस किताब में, इट वॉज माई राइट ऑफ पैसेज, वो एक तरह से नौवरी में 14-15 साल की उम्र में इस तरह के जज्बा हो सकता है, जो ख्याल हो सकते हैं, तो एक जो तड़प होती है, एक जो ख्वाहिश होती है दुनिया को बदलने की, चीज़ों को समझने की, तो इस तहरीक ने मुझे उस तरह से जगाया और यही उसका बहुत बड़ा एहसान है और यही मेरा एजाज है और ये आज की जो महफिल है ये बहुत इंस्पायरिंग है और मैं समझता हूँ कि नौजवान लोग जिस तरह आज यहाँ पे, हो सकता है कि वो उसी तरह की एक तड़प, एक लगन, एक जगन पैदा कर सके कि जो 53 की तहरीक का एक जुज। बहुत शुक्रिया मोइज़ुद्दीन साहब, मोइज़ुद्दीन फारूकी साहब, अस्सलाम वालेकुम, मेरा आशीष को मोइज़ फारूकी कहते हैं, मोइज़ुद्दीन फारूकी भी कहते हैं। मैं अपने बारे में कुछ नहीं कहूँगा, इसलिए काफ़ी मोइज़ुद्दीन का नाम एक सुन लिया काफ़ी। मैं सिर्फ एक ऐश कहना चाहता हूँ कि सरवर की शाहज़ादी ने जो कुछ भी आज ये अरेंज किया इसने पाकिस्तान की तारीख में इल्मियत और तदरीज के अहमियत को वाज़ह किया। हमने
ड्रीम मोमेंट के नाम पर जो कुछ भी किया वो याद करते हैं उसको। उसका मकसद यह था कि पाकिस्तान में इल्म की शमा को रोशन कर हमने अपना खून इसलिए बहाया कि आने वाली नस्लें पाकिस्तान को मुस्तहकम करें और तारीख इदारों को रोशन करें। ये सारी कहानियाँ जो अब तक आपके सामने आई हैं मैं उसकी तस्दीक करता हूँ, इसलिए कि मैं DSF का सीनियर वाइस इंसिडेंट था और हमने ऑर्गेनाइजेशंस को तमाम कॉलेजेस को जमा करके इंटरकॉलेजिएट बॉडी बनाई। उसका नाम रख जब उर्दू रखना चाहा तो मैंने इसका नाम रखा बैनुल कुलियाती अंजुमन। ये वैसे हैं साहब हमारे सामने ये सब हंस दिए कि कुलिया वगैरह क्या है। मैंने कहा भाई हैदराबाद रखन का आदमी हूँ, वहाँ कुलिया उस्मानिया जो है यूनिवर्सिटी को कहते हैं और कॉलेज को कहते हैं, इसलिए उर्दू में जब आप नाम रख रहे हैं तो कुलिया नाम रखना जरूरी है। आज जो कुछ भी आपके सामने इतना अच्छा मंजर आया है मैं सब पिताने से मैं साहबजादे को मुबारकबाद भी करता हूँ और शामीन की तरफ से भी किया वो काम जो हमारा था तो बेटी ने किया। सरवर को मैं शुरू कहता हूँ हसमुख सवार कराचे शुरू क्या करते हो तुमसे देखा हमें शुरू हासिल होता है तो जो लीडरशिप होती है दारुलमा की तो उसकी आजमाइशें होती है उसमें पूरा उतर सर और हम लोग उसके बस में बात। अब मैं एक बात कर रहा हूँ कि अगर आपकी ये टेक्निक और ये आपकी नजरी साल होती है मरने वाला का इंतजार न कीजिए। साहब का जो करें ताकि काम करने का शौक शौक पैदा हो लोगों में। प्रोफेसर हलीम साहब का नाम इस वक्त मैं ज़रूर अर्ज करूँगा। सारे तालीमों के सियासत के मरकज प्रोफेसर अबू बकर हलीम थे, वो अलीगढ़ के पैगंबर डॉक्टर थे और मेरी जिंदगी से वो पार्टियों को तलवा के लड़ाई करवाते थे। लेकिन मैं कहता हूँ कि हमें जो जिद्दोजहद रहता पैदा हुआ हलीम साहब बड़े ममनू और जो 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 बच्चे बने और जो लोग जिलों में गए जो शहीद हुए ये सब के सब उनके ममनू हैं। इसलिए किरण ने नई उमंग और नया और नई बहुत पैदा कर दी। मैं सही करता हूँ कि कराची यूनिवर्सिटी का पूरे मुल्क के ऊपर एहसान है। हम वी आर द पायनियर्स ऑफ स्टूडेंट मूवमेंट, वो बुनियादें रखी जो कराची से लेकर चौहारी तक के सबने इसके प्रबंध किया। जो बच्चे और फोटो जी आप देखते हैं तो वो बेटी के कोशिश से तक यहाँ तक पहुँचे हैं। इस नाची के पास सारे स्टाइल मौजूद थे। मैंने सुना कि हिस्ट्री जरूरी है, मैं अपने साथ ये भी सब ले जाओ और इस चीज को काम करो कि हमने जो कुछ किया है वो हमारे आने वाले और मौजूदा दोस्त अहबाब ये सिलसिले में जारी रखें। देश पहला कुछ कहना है मैं आप सबको मंगू हूँ, वैसे कि मेरा मेरी कोई पोजिशन नहीं है साधना चल में, लेकिन मैं मरने वाले साहब की तरफ से और स्टूडेंट कम्युनिटी की तरफ से आप सबको खुशामद कहता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब भी इस चीज़ की चीज़ हो हिम्मत तय कीजिए। शुक्रिया।